हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंसोमनियक स्टूडियोस। मेरा नाम है जतिन और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप फीमेल वोकल्स पे ऑटो ट्यूनिंग कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं जहां पे मैंने आपको बताया था कि आप कैसे मेल वोकल्स पे ऑटो ट्यूनिंग करोगे। सो अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं करा है सो कार्ट में लिंक मिल जाएगा, जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। एंड यहां पे आज इस वीडियो में मैं फीमेल वोकल्स पे ऑटो ट्यूनिंग कैसे आप करोगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, सेम फीमेल वोकल्स यही वाले थे एंड उस पर मैंने मैनुअल पिचिंग करी थी, मैनुअल ट्यूनिंग करी थी। अगर आप उसमें भी इंटरेस्टेड हो एंड अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सो उसका भी लिंक कार्ट में मिल जाएगा, वो भी चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस, एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, जब आप कोई गाना ट्रैक को रेडी करते हो, वोकल्स रिकॉर्ड करते हो, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले उस पर नॉइस रिमूव करता हूँ, देन उसके बाद जो होता है उसमें से मैं मैनुअल ट्यूनिंग करता हूँ, देन उसके बाद मैं ऑटो ट्यूनिंग करता हूँ। सो उसके बाद प्रोसेसिंग वाली चीज़ आती है, मिक्सिंग वाली चीज़ आती है। सो तब जो वोकल्स निकल के आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते हैं। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप भी अपने ट्रैक्स में ऐसा करो। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो गाइस, स्क्रीन पे आप देख सकते हो मेरा प्रोजेक्ट एंड इस प्रोजेक्ट को पहले भी मैं अपने वीडियोज़ में यूज़ कर चुका हूँ। यहाँ पर मेरे पास गिटार है और साथ में है वोकल्स। अब मैं एक बारी आपको पहले सुना देता हूं। माजा तेरा तेज ये दिल की पतंग को काटे, हाय तुझी से कटके ये इरे तेरी छत पे आके, हाय है माजा तेरा तेज ये दिल की पतंग को काटे, हाय तुझी से कटके ये इरे तेरी छत पे आके, हाय मेरी जान चली जाए है जो तू मुड़ के देखे, हाय तुझी से कटके ये इरे तेरी छत पे आके, हाय है माजा तेरा तेज ये दिल की पतंग को काटे, हाय तो गाइस, जैसा कि आपने सुना यहाँ पे जो वोकल्स हैं वो बिल्कुल ड्राई वोकल्स हैं हमारे पास। एंड लास्ट वीडियो में मैंने इन वोकल्स पे मैनुअल पिचिंग करी थी। सो अगर इंटरेस्टेड हो सो कार्ट में लिंक मिल जाएगा, जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। एंड वहाँ पे मैंने मेलेडाइन का यूज़ किया था। देन आज मैं आपको बताऊँगा हम इन वोकल्स पे ऑटो ट्यून कैसे करेंगे। सो यहाँ पे बेसिकली मैंने ऑटो ट्यून लिया था पहले, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊँगा। यहाँ पे मैं एक और प्लगइन ले लेता हूँ ऑटो ट्यून की। सो ये है प्लगइन, ये मैंने इसमें ऐड कर दी एंड यहाँ पे आ गया हमारे पास ऑटो ट्यूनर। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें जो वोकल्स हैं उसका स्केल देखना है कि वो कौन से स्केल पे हैं। तो ये जो वोकल्स हैं मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, ये हैं सी शार्प माइनर पे, या फिर आप डी फ्लैट माइनर भी बोल सकते हो। सो यहाँ से हम की सिलेक्ट करेंगे इसकी, सी शार्प नहीं डी फ्लैट या फिर सी शार्प, आप कुछ भी बोल सकते हो। देन उसके बाद स्केल है मेजर नहीं, यहाँ पर कर देंगे हम माइनर। सो यहाँ पे ये जो नोट्स हैं आप चेक कर सकते हो, स्केल में जाके हमारे पास आता है सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए, बी। सो ये सारी नोट्स आते हैं एंड यहाँ पे ये सारी नोट्स हाईलाइटेड हो गई हैं। अब एक बार इसको रीट्यून स्पीड इसकी जीरो कर देते हैं एंड एक बार सुन के देखते हैं। माझा तेरा तेज ये दिल की पतंग को काटे, हाय तुझी से कटके ये इरे तेरी छत पे आके, हाय है माझा तेरा तेज ये दिल की पतंग को काटे, हाय तुझी से कटके ये इरे तेरी छत पे आके, हाय। तो जैसा कि आप लोग सुन सकते हो यहाँ पे जो वॉइस है वो बिल्कुल ही खराब हो चुकी है, बहुत अजीब सी आवाज आ रही है, आर्टिफिशियल टाइप की आवाज आ रही है। सो हमें क्या करना होगा, जो रीट्यून स्पीड है उसको करना होगा स्लो। मैं अराउंड 20-25 के अराउंड रखता हूं, सो मैं वहीं पे लेके जाता हूं। एंड उसके बाद ह्यूमनाइज इफेक्ट कई बार मैं जीरो रखता हूं या कई बार मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करके देख लेता हूं 20% के अराउंड ही। सो एक बारी ट्राई करते हैं सिर्फ रीट्यून स्पीड 21 करके। माझा तेरा तेज ये दिल की पतंग को काटे, हाय तुझी से कटके ये इरे तेरी छत पे आके, हाय है माझा तेरा तेज ये दिल की पतंग को काटे, हाय तुझी से कटके ये इरे तेरी छत पे आके, हाय। तो जैसा कि आप सुन सकते हो वोकल्स में एक शाइन टाइप की आ गई है। लेकिन अब आप लोग बोलोगे कि आपने तो सर यहाँ पे
मैनुअल पिचिंग पहले ही करी हुई है. सो मैं क्या करता हूँ, मैनुअल पिचिंग को मैं बंद कर देता हूँ, मेलोडाइन को मैं यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ. एंड अब एक बारी सुनते हैं. माझा तेरा तेज ये दिल की पतंग को काटे हाय, तुझी से कटके ये गिरे तेरी छत पे आके हाय. है माझा तेरा तेज ये दिल की पतंग को काटे हाय, तुझी से कटके ये गिरे तेरी छत पे आके हाय. तो जैसा कि आप सुन सकते हो, यहाँ पे जो वोकल्स हैं अब काफी ज्यादा फ्लैट साउंड कर रहे हैं. हमने सिर्फ यहाँ पे ऑटो ट्यून ऐड करा है. सो एक बारी मैं रीट्यून स्पीड को पूरा जीरो करके दिखाता हूँ. माझा तेरा तेज ये दिल की पतंग को काटे हाय, तुझी से कटके ये गिरे तेरी छत पे आके हाय. है माझा तेरा तेज. तो जैसा कि अब आप लोग सुन सकते हो कि आवाज़ अजीब हो गई है, अगेन अजीब हो गई है, आर्टिफिशियल हो गई है. सो रीट्यून स्पीड को मैं 20 के राउंड ही कर देता हूँ, 21. एंड यहाँ पे ह्यूमनाइज इफेक्ट भी थोड़ा सा इसमें ऐड कर देता हूँ. अब यहाँ पे क्या है, अगर आप मेलोडाइन यूज़ करते हो ना, सो वोकल पिचिंग जो आप करोगे वो मैनुअली करोगे. देन उसके बाद अगर आप ऑटो ट्यून यूज़ करोगे सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा आपके वोकल्स में, क्योंकि दो लेयर्स वहाँ पे हो जाएंगी ट्यूनिंग की. सो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, अगर आपको अपने वोकल्स को प्रोफेशनल साउंड करवाना है सो सबसे पहले उसकी मैनुअल पिचिंग करो या फिर ट्यूनिंग करो, उसके बाद उस पर एक ऑटो ट्यून अप्लाई करो. तो जैसा कि अब यहाँ पे मैं मेलोडाइन को एनेबल कर देता हूँ एंड उसके बाद सुनते हैं. माझा तेरा तेज ये दिल की पतंग को काटे हाय, तुझी से कटके ये गिरे तेरी छत पे आके हाय. सो अब साउंड ज़्यादा प्रोफेशनल कर रहे हैं वोकल्स जो हैं. अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको प्ले करूँगा एंड बीच में ऑटो ट्यून को ऑफ कर दूंगा. देन आप इफेक्ट सुनना कि क्या फ़र्क पड़ता है. माझा तेरा तेज ये दिल की पतंग को काटे हाय, तुझी से कटके ये गिरे तेरी छत पे आके हाय. है माझा तेरा तेज ये दिल की पतंग को काटे हाय, तुझी से कटके ये गिरे तेरी छत पे आके हाय. तो एक शाइन टाइप की आ जाती है ऑटो ट्यूनिंग से. ऑटो ट्यून हमने फुल नहीं करा है बट हमने स्लाइटली इसमें ऑटो ट्यून करा है वोकल्स को, जिससे कि वोकल्स अच्छे साउंड कर रहे हैं. यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ऑटो ट्यून वर्क कैसे करता है. तो आप ये जितने हाइलाइटेड नोट्स देख रहे हो ना, अगर कोई भी हमारा जो वोकल का नोट है कहीं पे और जाता है, फॉर एग्जांपल वो सी पे जाता है एंड सी हमारे स्केल पे नहीं आता है, तो वो खींच के लेकर आएगा ऑटो ट्यून उसको सी शार्प पे. सो इसी तरीके से अगर डी पे है तो और डी नहीं आता है स्केल पे, सो वो डी शार्प पे ले जाएगा. इसी तरीके से ऑटो ट्यून वर्क करता है. अब यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि सर ये इनपुट टाइप है, इससे क्या होता है. तो यहाँ पे है हमारे पास सोप्रानो, एल्टो या फिर लो मेल. सो सोप्रानो बेसिकली आप ये मान सकते हो, अगर आपका जो वोकल्स हैं थोड़े से हाई लेवल पे हैं सो आप सोप्रानो यूज़ कर सकते हैं. एल्टो आप यूज़ करोगे आपके मिड सेक्शन में है. लो करोगे अगर आपने काफ़ी लो ब्रेथ पे गाया है. फॉर एग्जांपल अरिजीत के जो सॉन्ग्स होते हैं, अरिजीत जो है वो लो ब्रेथ पे गाते हैं, लो स्केल पे गाते हैं, लो स्केल नहीं बोलूँगा मैं, लो फ्रिक्वेंसी में उनका जो वॉइस है वो ज़्यादा आती है. सो यहाँ पे इस टाइप से आप सिलेक्ट करोगे. सो ये जो वोकल्स हैं ये मिड रीजन में है, सो इस पे एल्टो सिलेक्ट करता हूँ एंड मैं उसके बाद लो भी देखूंगा. लो मेल का मतलब ये नहीं है कि आप अगर कोई फीमेल वोकल्स रिकॉर्ड हुए हैं सो वो लो मेल पे नहीं जा सकते हैं. एक बारी सुन के देखते हैं. माझा तेरा तेज ये दिल की पतंग को काटे हाय, तुझी से कटके ये गिरे तेरी छत पे आके हाय. है माझा तेरा तेज ये दिल की पतंग को काटे हाय, तुझी से कटके ये गिरे तेरी छत पे आके हाय. मेरी जान चली जाए है जो तू मुड़ के देखे हाय, तुझी से कटके ये. सो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो वोकल्स हैं ये मिड सेक्शन में ज़्यादा हैं, सो मिड फ्रिक्वेंसीज में ज़्यादा हैं. सो यहाँ पे मैं एल्टो के साथ जाऊँगा. अगर आपका वोकलिस्ट चाहे वो फीमेल हो या वो मेल हो, अगर उसने ज़्यादा हाई पे गाया है, जो उसकी जो फ्रिक्वेंसीज है वो ज़्यादा हाई पे जा रही हैं, सो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे सोप्रानो. अगर मिड सेक्शन में है तो आप सिलेक्ट करोगे एल्टो, या फिर अगर काफ़ी लो उस पे गाया है सो आप लो मेल पे सिलेक्ट करोगे. इंस्ट्रूमेंट आपको बेसिकली सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि हम वोकल्स के साथ काम कर रहे हैं. सो यहाँ पे हमने ऑटो ट्यून पूरी तरीके से कर दिए अपने वोकल्स को. एक बारी मैं आपको पूरा सुना के दिखाता हूँ यहाँ पे.
तेरी छत पे आके हाय है माझा तेरा तेज, ये दिल की पतंग काटे हाय तुझी से कटके ये, रे तेरी छत पे आके हाय मेरी जान चली जाए है जो तू मुड़ के देखे हाय तुझी से कटके ये, रे तेरी छत पे आके हाय है माझा तेरा तेज, ये दिल की पतंग को काटे हाय जैसा कि आपने सुना वोकल्स काफ़ी प्रोफेशनल साउंड कर रहे हैं। ये मत समझना कि अभी आपको थोड़ा सा कंप्रेशन का फ़र्क लग रहा है या फिर किस चीज़ की कमी लग रही है। अगर आप ट्यून सुनोगे, ट्यून से मेरा मतलब है अगर आप स्केल पे देखोगे, सो बेसुरा कहीं पे वोकल नहीं हो रहा है क्योंकि हमने ट्यूनिंग परफेक्टली कर दी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इन वोकल्स को प्रोसेस कैसे करेंगे, कंप्रेशन रिवर्ब सब चीज़ें डालेंगे इस पर, EQ करेंगे इसको, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है सो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, प्लस ये वीडियो शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ सो दैट उनको भी नॉलेज मिल जाए। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट्स हैं या क्वेरीज हैं सो कमेंट सेक्शन खुला है, आप मुझसे पूछ सकते हो, साथ में सजेशंस भी दे सकते हो कि मुझे और कौन से वीडियोज बनाने चाहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।